हेलो फ्रेंड्स, बिहार एक परिचय चल रहा है हमारा, जिसमें ये हमारा जो है ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। अभी हमारे प्रीवियस वीडियो जो है गंगा नदी पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बिहार के। और इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक तरह से MCQ सीरीज़ है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आपने अगर अभी अपना करंट अफेयर साफ नहीं किया है तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं और क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स हैं, वन लाइनर टाइप में, जो आपको मैक्सिमम रिवीजन करने में मदद करेंगे। उसके वो मैक्सिमम पार्ट 10 10 वीडियो ही आएंगे उसके, जिसमें आपका कंप्लीट जो है करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको जैसे पता है कि बिहार में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप 40 में से समझिए कि हमारे 28 से 30 क्वेश्चन हमारे ही प्लेलिस्ट से आएंगे। और इतना विश्वास रखिए, बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, हमने आपको मना कुछ नहीं किया है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो आप साइंस हमारी सीरीज़ चल रही है, उससे आप जाके मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं MCQ, क्योंकि वो घटना चक्र पॉइंटर कवर किया गया है, और उसमें MCQ जो है लूसेंट की सॉल्व की कराए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो है लूसेंट एक तरह से बिहार से छपती है, तो बिहार के हॉट टॉपिक्स होते हैं उसके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से निकाल दिए जाते हैं एग्ज़ाम में MCQ के, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा है साथ ही साथ, तो उसी के क्रम में हमारा ये अगला वीडियो है। इसका नाम, इसका टॉपिक है सिंचाई और सिंचाई परियोजना एवं बाढ़। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। संयुक्त सिंचाई परियोजना का क्या क्या नाम है? तो ये गंडक परियोजना, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो यह है सोन करनाल, ठीक है, सोन करनाल सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट देखिए, कोसी नदी परियोजना में से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो यह बिहार और नेपाल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है कितनी है? 103 लाख हेक्टेयर की, 103 लाख हेक्टेयर की संभाव्यता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। तो यह 7.34, अप्रॉक्स 7.5% के आसपास है, तो आप याद रखिएगा इसको, 7.34, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, चरम सिंचाई क्षमता है कितनी है? 48.57, 48 दशमलव क्या है? भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, मतलब भूजल से की संसाधनों का यूज करके हम सिंचाई से कितनी क्षमता तक यूज कर सकते हैं? तो यह 48.57, यानी 48.5 याद रखिए आप, ठीक है। यानी हम कितना भूजल का यूज करके हम इसको कर सकते हैं, कितना संसाधनों का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ष 2008-09 में बिहार में तालाब स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई हुई है? 8-9 पुराना डेटा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2008-09 में बिहार में प्रमुख नहर स्रोत से सिंचाई हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में वर्ष, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि अभी हम करंट वीडियोज़ में अपलोड कर देंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रट लीजिए इसको, नलकूप के माध्यम से होती है सबसे ज़्यादा, नलकूप के द्वारा बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। फिर आंकड़े बेस क्वेश्चन हम छोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर किसकी है? पूर्वी कोसी नहर की, राजपुर, ठीक है, राजपुर किसकी है? पूर्वी कोसी की। नेक्स्ट देखिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण कहाँ से निकलती है? तो निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक से। त्रिवेणी नहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 63वीं या 62वीं में पूछा गया क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये निकल आता है गंडक से, तो आपको याद रखना है कि सारण हो गई या गंडक हो गई, सारण हो गई या त्रिवेणी हो गई, सारण हो गई या त्रिवेणी हो गई, कहाँ से निकलती है? गंडक से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय कहाँ, दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो यह हुई थी 5वीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सोन नहर है कि पूर्वी करनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, का उद्गम स्थल है सोन नहर? यह है वारुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार में स्थित पंचमी सोन सोन करनाल नहर का उद्गम स्थल है? बिहार में स्थित
पश्चिमी सोन करनाल नहर का उद्गम स्थान है, तो ये है डेहरी, डेहरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, गंडक नदी की नहरें कौन सी हैं? ढाका और तिहुर, ढाका और तिहुर, ढाका और तिहुर किसकी हैं? गंडक की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिहार में स्थित कोशी परियोजना की नहरें निकलती हैं, कोशी, ठीक है, तो ये हनुमान नगर के निकट, कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं हनुमान नगर के निकट, कोसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है, तो ये इसके इससे रिलेटेड जितने फैक्ट है आपको रटने चाहिए, ठीक है, हनुमान नगर के निकट निकलती है कोसी परियोजना की सहायक नहरें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो किस क्षेत्र में होती है? तो रोहतास में। किस, अभी अब ऊपर क्वेश्चन आया था किससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, किस स्रोत से? तो नलकूप से। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा सिंचाई? रोहतास में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सदाबाही, सदाबाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित हैं, सदाबाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित हैं, तो ये कहाँ है? उत्तर बिहार में। सदाबाही नहरों के सिंचाई, सदाबाही नहरों के सिंचाई की अधिक प्रचलित है, तो उत्तर बिहार में। आपको पता है कि उत्तर बिहार में हिमालय की नदियों के द्वारा जलाया जाता है, तो सदाबाही कहाँ होंगी? उत्तर बिहार की ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकलने वाली नहर का नाम है, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकलने वाली नहर का नाम है, तो यह है तेऊ नहर, ठीक है, वाल्मीकि नहर से निकल नगर से निकलती है कौन सी? तेऊर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोसी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको रटने चाहिए, ठीक है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये 1965 में, कोसी कब बन के तैयार हुई थी? 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं नेपाल की, पीछे हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दें। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही का सबका उत्तर दें। तो इसमें चंपारण में कौन सी होती है? तिरहुत नहर, सारण नहर, तेऊ नहर, तिरहुत, सारण और तेऊर, ठीक है। टीएसटी कहाँ पे पाया जाता है? जैसे जीएसटी होता है वैसे टीएसटी कहाँ है? चंपारण में। सौरी सकरी नदी, सकरी नदी नदी से सिंचाई की जाती है, तो सभी जगह, गया, नालंदा, पटना में। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं, तो सकरी नदी से सिंचाई की जाती है गया, नालंदा और पटना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होगा? तो बिहार और नेपाल पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फैक्ट है इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस भाग में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, बिहार ये हो गया, इसका उत्तर पश्चिमी भाग ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे किससे सबसे ज़्यादा होती है? नहर के द्वारा, ठीक है, नहर नलकूपों के द्वारा, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 31 देखिए, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कमला नहर से पूर्णिया और कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ये कथन सही नहीं है, बाकी आप तीनों देख लीजिएगा, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नहर, कोसी नदी परियोजना, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, ये हमारा बिहार हो गया। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि उत्तर पूर्व में क्या होती है, नलकूप से ज्यादा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, और अब कोसी के बारे में पूछ रहा है, तो कोसी हमारा उत्तर पूर्व में है, तो कोसी परियोजना के द्वारा अगर सिंचाई हो रही है तो उत्तर पूर्व में हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा कहाँ सिंचाई की जाती है? तो गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, तो ये हमारा बिहार हो गया, ये गंगा हो गया, तो गंगा का दक्षिणी पश्चिमी भाग कहाँ पे होगा? तो दक्षिण, गंगा का दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है, यहाँ नलकूपों से होती है, यहाँ नहरों से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार की प्रमुख बहुदेशी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो यह है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नदी प्रणाली थी? तो यह सोन नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली। आपको बताना है कि कोसी नहर प्रणाली कब शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखिए इसको बार बार, 1965, ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्व कौन सी थी? सोन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है, चरम सिंचाई मतलब मैक्सिमम कितनी सिंचाई क्षमता कर सकते हैं? तो 117.54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? बिहार में जो अभी प्रयुक्त हो रही है सिंचाई क्षमता, वो चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो ये है 49%, ठीक है, मतलब अभी हम 51% नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 38 देखिए, बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता है, सतही जल द्वारा, ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो सरफेस वाटर, तो ये है 63.58। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संपूर्ण बिहार का, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है?
संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना है? तो यह 8.63%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता होती है, अब ग्राउंड वाटर के द्वारा कितना होती है? 39। ठीक है, उसके द्वारा कितना था? 8.68। तो ये है कितना? 41। देखिए संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? ठीक है, चरम सिंचाई का कितना प्रतिशत है? तो ये 6.909। ठीक है, और भूमिगत जल द्वारा कितना सिंचाई क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है? तो ये है हमारा 39। और कर कितना रहे हैं हम? ये है 6.09, कर पाते हैं 6.09। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की क्षमता तुलना में अधिक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। बिहार में सिंचाई के स्रोत और उसमें सिंचित क्षेत्रफल को सही सम्मिलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेटा, आप रट लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, तो इसका आंसर है पहले का दूसरा, यानी 53% नलकूप के द्वारा होता है। जैसे हम जानते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ? उत्तर उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, फिर सेकंड है नहर के द्वारा। नहर के द्वारा कितना होता है? नहर के द्वारा होता है उस सेकंड नंबर पे, तो यानी 23%। ठीक है, पहला 55 हो गया, फिर 23% हो गया, ये हो गया नलकूप, ये हो गया नहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर है तालाब के द्वारा कितना होता है? तालाब के द्वारा होता है 4% के आसपास, 4% के आसपास तालाब से होता है, और कूप के द्वारा 0.3% होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो ये 50%, 50% भूमि सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? रट लीजिए इसको, जमुई बांका और नवादा, यहाँ क्या पाए जाते हैं? अभ्रक। ठीक है, जमुई के। फिर क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है? सकल ग्रॉस जो नेट सोन एरिया है उसका कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है, उसमें कितना सिंचित है? तो 61.20, 61.20। ऑन फॉर्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ऑन फॉर्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ये 38 जिलों में चलाया जा रहा है। आइसोपॉम योजना के अंतर्गत दलहन तिलहन एवं मक्का की सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो यह है स्प्रिंकल सेटों का वितरण और एचडीपीआई पाइपों का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का की है? बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? सबसे ज्यादा कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो यह रोहतास की है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो यह है शिवहर की। रख लीजिए, यहाँ रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचित होता है और शिवहर में सबसे कम होता है। फिर देखिए 51 देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बता रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहर द्वारा आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम में होता है, दक्षिण पश्चिम, आप थोड़ा दिमाग से मैटअप करिए, दक्षिण पश्चिम मतलब ये। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा होता है, तो ये किस में होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो रोहतास में। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नलकूप मतलब उत्तर पूर्व में, तो ये हो गया पूर्वी उत्तर पश्चिम में, तो ये हो गया पूर्वी चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो ये मुंगेर में सबसे कम होती है नलकूप द्वारा, मुंगेर में। 54 देखिए, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। पुनपुन बराज, पुनपुन नदी है, कहाँ मिलती है? फतुहा के पास। ये तो पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के सिंचित भूमि में लघु एवं मध्यम लघु सिंचाई का योगदान है। लघु एवं मध्यम लघु का कितना है? 7.53 के आसपास, 7.5% के आसपास। लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो यह नालंदा, लोकायन, सॉरी लोकायन कहाँ पे है? बिहार के नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार की सिंचाई योजना कौन सी है? सभी है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जैसे चंदन भी है, बदुआ भी है, नागी भी है। ठीक है, निम्नलिखित 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मालवी जलाशय नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 59, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटेश्वर है किसके बीच? झारखंड एवं बिहार के। बटेश्वर है झारखंड एवं बिहार के बटेश्वर। उत्तर कोयल जलाशय,
उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो यह है बिहार की। उत्तर कोयल भी है झारखंड के साथ और बटेश्वर भी है। उत्तर कोयल बटेश्वर, उत्तर कोयल कोयल याद करिए, और बटेश्वर कहाँ किसके साथ है? बिहार और झारखंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो यह उत्तर प्रदेश। इंद्रपुरी, इंद्रपुरी में कौन कौन है? बिहार है, झारखंड है, यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहाने, मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है? मोहाने के साथ झारखंड की। तो यानी कोयल हो गया, मोहाने हो गया, और एक और थी, ये सब किसकी है? झारखंड और बिहार की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बटाने, बटाने जलाशय, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पश्चिम बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड की बहुत है, एक बार पेज पे लिख के याद कर लीजिए। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है? बाढ़ प्रवण राज्य है बिहार का, भारत का, सॉरी, बिहार। बिहार का कितना परसेंट क्षेत्रफल ग्रस्त है? 74%, 74% बाढ़ बाढ़ पूरा क्षेत्रफल ग्रसित है बाढ़ से। बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो ये है 68 पॉइंट, अब है उसमें पूछ लिया एरिया में, तो 68.80 लाख हेक्टेयर, 68.80 लाख हेक्टेयर, और कितना परसेंट है ये? 74%। ठीक है, को टोटल क्षेत्रफल का। बिहार में अगस्त 2018 में काशी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी? तो ये है कुशवाहा के पूर्वी तटबंध के। ठीक है, बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने जिले डूब गए? तो ये डूब गए थे 5। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने लोग प्रभावित हुए? तो कितने हुए थे? 33.29 लाख। ठीक है, याद रखिएगा कितना डूब गए, 5 जिले। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, तो ये है मई 2007 से। ठीक है, मई 2007 से आपदा प्रबंधन जोखिम प्रबंधन आपदा बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिहार में बाढ़ के कारण है कौन है? तो ये में सभी हैं, नदियों में गाद का जमाव, नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का सही समूह है? तो ये है डी, ए और बी, मतलब पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? तो प्रथम। ठीक है, आपको पता है कितना आया था? 74.4% बिहार के क्षेत्रफल में बाढ़ आती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बिहार में कृषि एवं पशुपालन, और जो हमारे वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी के जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट के और करंट के और साइंस के अपलोड कर दिए गए हैं, जो उम्मीद है आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखें, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, और उस पर हर एक वीडियो पर कमेंट भी जरूर करें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या हमें और सुधारना चाहिए। और अगर आपकी दिक्कत है कि हम बहुत ही तेज़ बोल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरह से ये हम आपको पढ़ा नहीं रहे, ये एक रिविज़न सीरीज़ है, और आप पढ़ तो चुके ही होंगे, यहाँ आकर आप अपने और जितना भी फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज है उसको इन्हेंस करते हैं। ठीक है, और हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसको आप मस्ट जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी और एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, उसमें मेनली 10 पार्ट में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया गया है, तो प्लीज़ उसे जाके जरूर देखें एक दो बार, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हमारे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 29 हमारे प्लेलिस्ट से आएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।